गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों के साथ जो है पार्क में बैठा हुआ हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। चंद साल पहले मैं सऊदी अरब में जॉब कर रहा था और वहाँ पर जो है जब मैं ड्राइविंग कर रहा था, एक बार ऑफिस से जो है घर जा रहा था, तो रास्ते में मैं एक गाड़ी को ओवरटेक किया और जैसा मैं ओवरटेक किया पीछे से गाड़ी तेज हॉर्न मार लेते जो है मेरे बाजू आया और वो बंदा बिल्कुल डार्क कॉम्प्लेक्शन का, मोटा और गुस्से में जो है मेरी तरफ देख रहा है। अब मैं बोला ये बंदे को क्या जवाब दूँ, ये तो एकदम गुस्से में है और मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, वो बाजू में है, वो मेरे को देखा, मैं उसको देखा। मैं बस सिर्फ उसको एक स्माइल दिया और हाथ बताया और वो बंदा जो है ना बिल्कुल मुंडी नीचे करा और तो अपनी गाड़ी आगे बढ़ाया और चला गया। तो इस कहानी से, इस मेरे जो इवेंट से मैं आपको क्या सबक बताने जा रहा हूँ वो चीज़ के ऊपर आप गौर करिए। वो ये कि हमारी ज़िंदगी में जो हम नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करते हैं और नेगेटिव इमोशंस खास तौर से जो हमारी ज़िंदगी में जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। और इस नेगेटिव इमोशंस को किस तरीके से हम पॉजिटिव में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं वो टेक्निक्स को जो है ना मैं आपको इस वीडियो में जो है इंशाल्लाह शेयर करने जा रहा हूँ। और वो टेक्निक्स ये है कि अब जिस तरीके से वो बंदा मेरी तरफ गुस्से में देखा, अब मेरे पास जो ऑप्शन था कि मैं भी उसको जो है ना गुस्से में उसी की तरफ जो है ना रिएक्ट करता, लेकिन उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया। द मोमेंट मैं उसको एक्सेप्ट कर दिया वो गुस्सा जो है कन्वर्ट हुआ टॉलरेंस में, यानी गुस्से को टॉलरेंस में जो कन्वर्ट करने वाला जो चीज़ थी वो था एक्सेप्टेंस। लाइफ में कोई भी सिचुएशन सर्कमस्टेंस आता है, जैसा उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं वो पॉजिटिव से जो है वो नेगेटिव से जो है पॉजिटिव इमोशन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के पास देखते हैं कि बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है या बहुत ही बेहतरीन घर उस बंदे ने बनाया है, तो अब आपके पास आप उसको जब देखते हैं तो अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो आपके अंदर जेलेसी क्रिएट होती है, लेकिन द मोमेंट उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। एक नेगेटिव इमोशन जो है ना पॉजिटिव में जो है कन्वर्ट हो गया है। उसी तरीके से जो है फियर क्या है, फियर मतलब एक अनसर्टेनिटी का जो है ना डर। मिसाल के तौर पे आप एक कोई नई जगह पे जा रहे हैं या कोई स्पीच देने जा रहे हैं तो एक आपका अंदर से एक डर है कि क्या कैसा होगा, अच्छा होगा नहीं होगा, वो नई जगह पे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो चीज़ आपके अंदर जो है ना फियर क्रिएट करती है, एक अनसर्टेनिटी। लेकिन वही अनसर्टेनिटी को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो आपका अनसर्टेनिटी, वो फियर जो है कन्वर्ट होके एडवेंचर में एडवेंचर बन जाता है। जिस तरीके से आप जाते हैं फॉर एग्जाम्पल माउंटेन क्लाइंबिंग है या ट्रेकिंग के लिए आप जाते हैं, टोटली अननोन जगह पे, एक अननोन प्लेस पर आप जाते हैं और वहाँ पर आपको जो है कुछ मालूम नहीं है और बिल्कुल आप जो है ना, हालांकि डर भी हो रहा है लेकिन वो डर एडवेंचर में कन्वर्ट होते हैं क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और परसेप्शन चेंज करके उस चीज़ को एंजॉय करना शुरू करते हैं। इसी तरीके से जो है अगर कोई आपके साथ कुछ बुरा करता है और उस चीज़ को आप अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो हेट्रेड क्रिएट करता है, एकदम नफ़रत आपके अंदर जो है ना, गुस्सा नफ़रत क्रिएट होती है। लेकिन द मोमेंट जो है ना आप एक्सेप्ट करते हैं कि बंदा गलती किया है और उसकी गलती को आप एक्सेप्ट करते हैं तो वो चीज़ कन्वर्ट होके माफ़ी या फॉरगिवनेस में जो है ना कन्वर्ट हो जाती है। तो द की रूल इज़, द थम रूल इज़ एक्सेप्टेंस। लाइफ में जो भी सिचुएशन सर्कमस्टेंस आए उसको आप एक्सेप्ट अगर करेंगे तो पॉजिटिव इमोशन बनेगा और अगर उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो जो है ना एक ख़तरनाक नेगेटिव इमोशन बनेगा और आपकी लाइफ जो है ना बिल्कुल हेल बन जाएगी। मैं कहूँगा आपसे कि आज के बाद से जो भी सिचुएशन सर्कमस्टेंस आ रहा है, जो भी आपके अंदर नेगेटिव इमोशन क्रिएट कर रहा है जिससे आपको जो है ना गुस्सा आ रहा है, नफरत हो रही है, जेलेसी क्रिएट हो रही है, डर हो रहा है, सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए और वो नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन में जो है कन्वर्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के वास्ते। सी यू सून।